Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you civics of class 6, lesson 5, local self-government in rural areas, Panchayati Raj. Students, I had already discussed with you, Panchayati Raj is divided into three categories. First, Panchayat at the village level, second, Block Samiti at the block level and Jila Parishad at the district level. And I had already discussed with you Panchayats at the village level, Block Samiti at the block level. And now I am going to teach you third topic, Jila Parishad district level. Okay. So students, now I am going to explain this topic, Jila Parishad. Okay. So let's start our today's class. The Jila Parishad at the top of the three levels of the Panchayati Raj. आप देखें कि जो जिला परिषद है वो पंचायती राज का आपका तीसरा तीसरा टॉप लेवल पे कौन सा है, जिला परिषद है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिला आर डिस्ट्रिक्ट. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल और किसके लिए उत्तरदायी होता है, जिला के लिए या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए. ठीक है. द पीपल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट द मेम्बर्स ऑफ द जिला परिषद. और डिस्ट्रिक्ट के ही मेम्बर्स चुनाव करते हैं जिला परिषद के मेम्बर्स का. कंपोजिशन मतलब सहभागिता और किस चीज़ की होती है. द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समितिज इन द जिला ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद. जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत समिति के, ठीक है, इन जिला में जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत समिति के, वही मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के. मेंबर्स ऑफ द विधानसभा एंड विधान परिषद आपकी किस पे स्टेट लेवल पे वर्क करती है, ओके, इलेक्टेड फ्रॉम द जिला आर इट्स मेंबर्स. और जो विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं वो भी आपके इसी जिला परिषद के मेंबर्स से इलेक्ट किए जाते हैं. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम द जिला परिषद आर इट्स मेंबर्स. और जिला लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी जिला परिषद के मेंबर्स से इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स. इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट. और ये प्रतिनिधित्व करते हैं जनजाति और अनुसूचित जनजाति का और पिछड़ी जाति. ठीक है. वन थर्ड ऑफ द स्टेट आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. और पूरे सीट का जो भी आपका वन थर्ड होता है वो रिजर्व मतलब वो आरक्षित होता है किसकी, वुमेन के लिए. मतलब फिक्स है कि जितनी भी सीट्स होंगी उसका वन थर्ड सीट्स वो वुमेन के लिए फिक्स होता है. द जिला परिषद इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एमंग इट्स मेंबर्स. इसे जिला परिषद में से भी क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं जिला परिषद के मेंबर्स. द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. और जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनको वो भी 5 ईयर्स के लिए चुने हो जाते हैं. इनका मैक्सिमम जो वर्क ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स होता है विलेज लेवल पर भी और आप ब्लॉक समिति में भी और जिला परिषद में भी. फंक्शंस जिला परिषद के फंक्शंस क्या क्या है, कार्य क्या है. इट हेल्प्स इन द वर्किंग ऑफ द ब्लॉक समिति एंड विलेज पंचायत. तो जो जिला परिषद है ये हेल्प करती है ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत के काम में. इट कीप्स द स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट दियर वर्क एंड मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द ब्लॉक एंड विलेज. इट इज़ अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति. और देखिए जो जिला परिषद है ये क्या करती है, कीप्स द स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड मतलब स्टेट गवर्नमेंट के सारे कार्यों को बताती है स्टेट गवर्नमेंट को. दियर वर्क एंड मिक्स डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ 5 ईयर्स. और जो ब्लॉक समिति ब्लॉक में और विलेज में, ठीक है, ब्लॉक समिति और विलेज में जो 5 ईयर्स कार्य इनके कार्य को और सुधार को स्टेट गवर्नमेंट तक बताती है. मतलब क्या, जो जिला परिषद है ये विलेज और ब्लॉक लेवल से स्टेट लेवल के बीच का एक लिंक की तरह काम करती है. मतलब सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट लेवल तक पहुंचाती है स्टेट गवर्नमेंट को. इट इम्प्लीमेंट्स एंड सुपरवाइजेज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द जिला और डिस्ट्रिक्ट. और जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब जो समुदाय के विकास के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसका पर्यवेक्षण करती है और उसे लागू भी करती है जिला परिषद समिति. इट इम्प्लीमेंट्स एंड सुपरवाइजेस प्रोजेक्ट्स अंडर द 5 ईयर प्लान्स. और ये इम्प्लीमेंट्स मतलब काम जो 5 ईयर प्लान्स मतलब पंचवर्षीय योजना होती है उसके लिए उसका प्लान भी बनाती है पंचवर्षीय योजना का और उसको लागू भी करती है जिला परिषद. वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड्स
इरिगेशन फैसिलिटीज़ और वर्क ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि की सुधार के लिए भी कार्य करती है, वर्क करती है, और एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए भी वर्क करती है, मतलब कृषि उत्पादन के लिए उसमें सुधार के लिए दोनों, एंड प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटीज़ और सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर फसलों की सिंचाई के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। जिला परिषद समिति इसका वर्क है। एंड ब्यूल्ड्स द मेंटेनेंस हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स और बनाती है और मेंटेन भी करती है, मेंटेनेंस और बनाने दोनों का काम करती है। हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी मतलब दवाखाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, और इस वक्त प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, ये सभी कुछ बनाने और उसके मेंटेनेंस का भी काम जिला परिषद करती है। सोर्स ऑफ इनकम, अब सोर्स जिला परिषद के इनकम का सोर्स क्या है, तो ग्रांट्स एंड एड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुदान ही इनका सोर्स होता है। एंड टैक्सेस ऑन लैंड एंड हाउसेस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फेयर्स एंड कैटल्स, और टैक्स भी लेती है हाउसेस घरों पर, वाटर पानी पे, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उस पे, फेयर्स और मेलों पे, कैटल्स और पशुओं पे भी, मतलब पशु, बिजली, हाउस, घर, हर पानी, फेयर्स, मेला, सब पे ये टैक्स लेके इनके सोर्स इनकम ऑफ सोर्स है इनका। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज वुमेन इन द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम में वुमेन्स की कंडीशन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास्ड इन 1992 सेट असाइड्स अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था, मतलब जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में जो आर्टिकल्स बनते हैं अगर वो आर्टिकल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से लोगों को, तो उसमें अमेंडमेंट मतलब सुधार किए जाते हैं। तो 1992 में जो संविधान संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, वो ये था कि जो भी जितनी भी सीट्स होती हैं, चाहे वो पंचायती राज में हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब होता है नगर निगम ना, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो इस तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज में जितनी भी सीट्स होगी उसका 1/3 सीट्स वो फिक्स होगा वुमेन के लिए। 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसमें ये राइट किया गया था। सम स्टेट्स लाइक बिहार हैव फर्दर रेज दिस टू 50%, और कुछ स्टेट्स में बढ़ा के इसे 50% कर दिया, लाइक बिहार, उस वहाँ पे जो वुमेन्स की सीट्स है वो 50% है। दिस हैज़ नॉट ओनली गिवेन अपॉर्चुनिटी टू वुमेन बट हैज़ मेड डेमोक्रेसी मीनिंगफुल। और ये जो 50% या 1/3 सीट जो फिक्स किया गया वुमेन्स के लिए, ये सिर्फ वुमेन को दिया गया एक अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, एक अवसर ही नहीं है, इनफैक्ट जो डेमोक्रेसी है उसको वो सही मायने में फॉलो किया गया, उसे लागू किया गया। वुमेन हैव प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द विलेज, और वुमेन जो होती हैं, जो फीमेल है, वुमेन है, वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, बहुत ही एक्टिव रोल, मतलब बहुत ही सक्रिय रोल निभाती हैं हमारे डेवलपमेंट सुधार में, और एडमिनिस्ट्रेटिव और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं गांव में, उन सब में वुमेन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। वुमेन सरपंच हैव प्रूव्ड टू बी द सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, और जो वुमेन सरपंच होती हैं वो भी इस काम को बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक कर रही हैं। दे आर सेंसिटिव टू लोकल इशूज़ एंड स्ट्रॉन्ग इन डिसीजन मेकिंग, और जो फीमेल होती हैं, वुमेन है, वो क्या, वो सेंसिटिव, वो बहुत ही अच्छे से संभालती है जो भी लोकल इशूज़ होते हैं वहाँ पे, जो लोकल में प्रॉब्लम्स होती है उन्हें, और वो बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेती हैं, तो इसलिए वुमेन भी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और पंचायत सरपंच के थ्रू के फॉर्म में। दे हैव बीन एबल टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर इम्पॉर्टेंट इशूज लाइक हेल्थ केयर, चाइल्ड मैरिज, गर्ल्स एजुकेशन, एल्कोहलिज्म एक्सेट्रा, और जो वुमेन है वो भी एबल है, मतलब योग्य हैं जो मोबिलाइज सपोर्ट मतलब समर्थन जुटाने में, जो इम्पॉर्टेंट इशूज, बहुत सारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उसमें, लाइक आपका हेल्थ केयर हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, जो छोटे बच्चों की शादी की जाती है, गर्ल्स एजुकेशन, आप जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में गर्ल्स को एजुकेशन के लिए रोकते हैं, और एल्कोहलिज्म मतलब जो आपका ये मादक पदार्थ है, इन सभी में भी ये एक अच्छा समर्थन जुटा पाती हैं वर्क में अपने। इट हैज़ बीन प्रूव्ड डैट वेयर एवर वुमेन होल्ड पोजिशन इन लोकल बॉडीज देयर इज़ ग्रेटर इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द रनिंग ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और जहाँ, और ये इन सभी की वजह से ये प्रूफ हुआ है कि वुमेन जो है वो बीन प्रूफ्ड, उन्होंने ये प्रूफ साबित किया है
कि वेयर एवर वोमेन, जहाँ कहीं भी वोमेन है किसी भी पोजीशन पे बैठी हुई, तो वहाँ के लोकल बॉडीज़ में अगर कहीं भी आप किसी भी अंग में देखोगे, कहीं भी गवर्नमेंट में अगर वहाँ पे वो वोमेन है, तो वो अपने काम को ग्रेटर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, मतलब उसको दक्षता और पारदर्शिता के साथ, मतलब पूरे एबिलिटी है उनके अंदर, वो इसे अपने काम को वहाँ पे पब्लिक अफेयर्स, मतलब जनता में अपने काम को अच्छे से कर रही हैं, करती हैं। दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फाउंड टू गिव मॉनेटरी एंड, और आप देखोगे कि जो वुमेन हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अपना योगदान दे रही हैं, जो स्वयं सहायता रोजगार है उसके थ्रू भी ये बहुत ज़्यादा काम को उसका मॉनिटरी करके प्रूफ कर दी। एंड अदर हेल्प टू द वेरी पुअर एंड नीडेड, और वुमेन जो बहुत गरीब होते हैं और जिन्हें ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की वुमेन हेल्प करती हैं। इसलिए वुमेन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में वुमेन के लिए सीट फिक्स कर दी गई, 1/3 सीट फिक्स है, और अदर स्टेट में इसको बढ़ा दिया, किस स्टेट में कम कर दिया, बट वुमेन की जो सीट है वो फिक्स कर दी गई है पंचायती राज सिस्टम के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू विल वेरी अंडरस्टैंड 3 टॉपिक्स, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।